रामिनन यादव महाराजगंज से आया हूँ और इस घटना को सुनकर बहुत ही दुख हुआ है। मैं आज यहाँ आया हूँ, मैं किसी जातिवादी के मुद्दे से नहीं, मैं आज यहाँ आने का मेरा मकसद था कि मैं आज ऐसी घटनाएं पूरे प्रदेश में अब से न हो और इस घटना का जिम्मेदार स्वयं जो है राजस्व विभाग। क्यों राजस्व विभाग है? क्योंकि आए दिन एक ही मामला नहीं, किसी भी कचहरी तहसील में जाइए, कहीं भी जाइए, कहीं भी झगड़े विवाद होते हैं, लोकपाल कानून को फोन करिए, वो लोग नहीं मौजूद होते हैं, वो लोग समय से नहीं आते हैं। इसी से जो है जमीनी विवाद बढ़ते जाते हैं और इस जमीनी विवाद का कारण ऐसी हत्याएं हो रही है। सिर्फ राजस्व विभाग की लापरवाही है और राजस्व विभाग की लापरवाही यदि नहीं होती तो ऐसी जो है घटनाएं नहीं होती। और आज जो इस घटना को जातिवादी तौर में बदला जा रहा है, इस तरह से जो है पूरे प्रदेश में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है। अगर कार्रवाई करनी चाहिए तो जो लोग निलंबित हुए हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो लोग पैमाइश जिस दिन किए हैं, जिस दिन आकर के पैमाइश किए नोटिस चपका, वो यदि पहले प्रेम यादव के घर आए होते, जब ये घटना नहीं होती, तो प्रेम यादव आज हमारे बीच में जिंदा होते और ब्राह्मण परिवार भी जिंदा होने पाता। दोनों परिवार में कुछ नहीं होता। क्यों? जिसकी जिम्मेदारी पूरी राजस्व विभाग करप्ट है। मैं सबूत के साथ कहूंगा कि आज मैंने ही सूचना दिया कि एक अवैध जमीन, जितनी भी प्रदेश में जितनी अवैध जमीनों को खाली करवाया गया है, कहीं कहीं गरीबों की जमीन है, लेकिन हमारे ग्राम पंचायत में भी एक जमीन खाली करवाया गया था, उसको प्रशासन कब्जा करवा रही है। नहीं, खागड्डे की जमीन को कब्जा करवा रही, बोल रही है कि वो तो जो है उनकी उनकी प्रॉपर्टी है। क्यों है? क्योंकि हम लोग यादव हैं वहाँ के। यानी कि जातिवाद नहीं होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। जो और राजस्व विभाग की जो लापरवाही है, ऐसा कहीं और भी ना होने पाए, ऐसा कहीं भी नहीं, पूरे प्रदेश में नहीं होना चाहिए। धन्यवाद बाबू। पूरा राजस्व विभाग की जिम्मेदारी इस घटना पे जाती है, उनके ऊपर बुलडोजर चलवा करके तभी प्रेम यादव के घर पे जो भी होगा न्याय तो जो है करवाना चाहिए। न्याय हो, जो भी हो, जो कार्रवाई करे वो न्यायचित हो करके, जांच परख करके, एकदम मैं इसी बात को लेकर के कहूंगा। आप इस कहना चाहेंगे कहां से करके? बिल्कुल, हम लोग लखनऊ से आए हुए हैं और जो ये 6 लोगों की हत्या हुई है, परिवार से मिलने आया। अभी हम लोग प्रेमचंद यादव के घर गए थे, उनके परिवार से मिले, उनके 4 बच्चे जो अनाथ हो गए और उनकी पत्नी विधवा है। कहीं ना कहीं उन लोगों के अंदर एक डर है, भय का माहौल है इस समय और वो चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो। बस उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि सरकार हमारे साथ न्याय करे। जिस क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, न्याय सरकार जब उच्च स्तरीय जांच जब तक इसकी नहीं कराएगी तब तक न्याय तो नहीं हो सकता है। सरकार से हमारी यही मांग है कि उच्च स्तरीय जांच कराए। अब देखिए, सुनने में यह आ रहा है प्रेमचंद के परिवार वाले ये कह रहे हैं कि कल इस जमीन की पैमाइश होने वाली है, लोग आने वाले हैं, इसको नापेंगे जोखेंगे, लेकिन परिवार का कोई वरिष्ठ सदस्य नहीं है, बच्चे हैं, कोई 10 साल का है, कोई 12 साल का है, कोई 16 साल का है, तो जिम्मेदार तो रखना चाहिए। बिल्कुल, उनकी यही प्रधान हो ऐसे तो होनी चाहिए। नहीं, उनकी यही मांग है कि हमारे चाचा जिस दिन हत्या हुई थी, प्रेमचंद के छोटे भाई रात को देवरिया चले गए थे, लेकिन पूरी घटनाक्रम जब होने के बाद हत्या हो गई तब वो वापस आए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको हथकड़ी पकड़ा करके ले आया जाए, उनसे पूछा जाए, वो बताएंगे, कागज दिखाएंगे। उनके बाबा जो राम भवन जी हैं, मिलिट्री से रिटायर्ड हैं। सरकार का काम है तो करना चाहिए। बिल्कुल, सरकार को ये करना चाहिए, तभी न्याय हो पाएगा। जनता है, आप लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग आवाज उठाएंगे और पूरा पुरजोर तरीके से आवाज इसको उठाएंगे। इनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। किसी के गाड़ी कमाई से घर बनाया, आज बताइए प्रेमचंद भू माफिया हो गए, दबंग हो गए। इससे पहले वो क्या थे? इससे पहले तो गांव वाले यही कह रहे थे कि मृत्यु तक जब वो गए हैं तो लोगों की सहायता करते थे, लोगों को कहीं न सुख दुख में शामिल रहते थे, कोई मुकदमा कुछ नहीं, न प्रशासन बता पा रहा है, न घर वाले बता पा रहे हैं कि इनके ऊपर क्या मुकदमा है, इनको किन धाराओं के अंतर दबंग कहा जा रहा है, भूमाफिया कहा जा रहा है। वो सम्मानित जिला पंचायत सदस्य थे, उनकी माताजी प्रधान थी और उनके पिताजी रिटायर्ड होकर के ये घर बनवाए थे, अपनी गाड़ी कमाई से घर बनवाए थे, तो उस घर को नेस्तनाबूत किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बुलडोजर जो एक ऐसा प्रतीक बन गया है, हाँ पूर्व बताया मैंने, वो मिलिट्री से रिटायर्ड है, पूर्व सैनिक है, और बुलडोजर तो ये अन्याय का प्रतीक बनता जा रहा है। बुलडोजर कहीं ना कहीं एक भय का प्रतीक बनता जा रहा है प्रदेश।
प्रदेश में, जिससे लोगों को यह लग रहा है कि कब किसके ऊपर बुलडोजर गिर जाए कोई नहीं जानता है। भारतीय जनता पार्टी इस पे चला देगी बुलडोजर, कोई नहीं सर, न्याय होता उसके साथ, न्याय बिल्कुल न्याय हो इनके साथ, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए उसकी, जब तक उच्च स्तरीय जाँच नहीं होगी कैसे बुलडोजर चल जाएगा। सच्चाई आने के बाद ही कुछ, सच्चाई आने के बाद उनके, तो आप लोग हाँ अगर सरकार ये करती है तो हम लोग उसका विरोध करेंगे, सरकार से ये मांग करेंगे जहाँ तक कानूनी प्रक्रिया हो सकती है उसके तहत हम लोग जाएंगे, और इसके ऊपर कहीं ना कहीं जो बच्चे अनाथ हो गए जिनके ऊपर से पिता का साया छिन गया उनका आसियाना भी न छिने, यही सब लोग चाहते हैं, इस क्षेत्र के लोग भी चाहते हैं कि इनके ऊपर बुलडोजर न चले, इनके मकान के ऊपर बुलडोजर न चले।